नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर लेके आए हैं एक नई वीडियो आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखिए, इस तरह का हमने एक पर्स बना के तैयार किया है। इसमें आप छोटा मोटा सामान रख के यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह। तो ये हमने एक कपड़ा ले लिया है और ये अस्तर बकरम लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं। ये हमने लिया है 9.5 इंच और यहाँ से 13 इंच। ये हमने चिपकने वाला बुकरम लिया है, सेम प्रेस करके चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह। तो हमने 2 पीस और लिए हैं जो अस्तर के लिए। ये देखिए इस तरह से। ये हमने 13.5 इंच लिया है यहाँ से और 10 इंच लिया है। तो इसे हम एक पीस को हटा देंगे, दूसरा पीस हमें बुकरम पे चिपका लेना है प्रेस से। तो ये देखिए हमने दोनों पीस चिपका लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये बुकरम चिपकने वाला आता है जिसमें ये ग्लू लगा रहता है, तो ये चिपक जाता है प्रेस से। तो इस तरह से हम ये दूसरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह, इस पे रख के हम पिनअप कर लेंगे। इस तरह से पिन लगा के और उसके बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस पीस पे और उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। ये देखिए इस तरह रख के चैन हमने ये लगा दी है और उसके बाद ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी टॉप स्टिच। उसके बाद ये दूसरा पीस लेंगे हम, इसे भी इसमें चैन में इस तरह सिलाई लगा देंगे और फिर इसे पलट के टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। चलिए लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों पीस चैन में सेट कर दिए। उसके बाद हम रनर डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह रनर हम डाल देते हैं। देखिए इस तरह हमने तैयार कर दिया रनर डाल के। उसके बाद हम इस तरह से पलट लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह करके। और उसके बाद हम बराबर कर लेंगे पीस को। इस तरह बराबर करके पिनअप कर लेंगे ऊपर से, ये पीस इधर उधर ना हो। और उसके बाद हम इसे ऊपर से ये देखिए 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे दोनों तरफ से। और ये बराबर हम इसको लाइन खींच लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और उसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे निकाल देना है। ये देखिए इस तरह निकाल के हम अलग कर देंगे इसको और बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, यहाँ से पलटते हुए फिर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह। उसके बाद हम इसे बीच से इस तरह पलट के अच्छे से सेट कर लेंगे बराबर। बराबर करके इसे हम ये गोलाई से इसे कट करेंगे। तो ये देखिए कोई भी हम इस तरह बराबर कटोरी रख लेंगे इस तरह करके। ढक्कन कटोरी आप कुछ भी रख सकते हैं, इसे गोलाई से काट ले।
तो ये देखिए इस तरह गोलाई से काट के हम इसे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम ये हमने एक पट्टी ले ली है, तो इसे 3 इंच हमने चौड़ाई रखी है। लंबाई आप इस बैग के हिसाब से रख सकते हैं जितना इसमें आ जाए। तो इस तरह हमने ये पाइपिंग लगा ली है और ये चट बटन लगा दी है। तो ये देखिए बैग बन के हमारा तैयार हो गया है, 2 पॉकेट वाला। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए इस तरह आप बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही जल्दी ये बैग बन के तैयार हो जाता है।